मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। छतरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी और भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर विधानसभा की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव और कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी के बीच चुनावी जंग अब रुद्र रूप लेती जा रही है। एक दूसरे को गुंडा और गुंडों को संरक्षण देने जैसी बातें मीडिया के कैमरे पर कही जाने लगी हैं। अभी हाल ही में भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए एक रैली निकाली और रैली के दौरान मीडिया को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पर बड़े आरोप लगाए। आइए सुनवाते हैं क्या कहा भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने। मैं कहना चाहती हूँ, 20 साल पहले विधायक जी जाइए तो 20 साल के पहले कांग्रेस की सरकारें थी, आप लोगों के राज थे। ये छतरपुर में गुंडा राज था, जंगल राज था, महिलाएं किशोर सागर से नहीं निकल सकती थी। इतना गुंडागर्दी का आलम था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और विधायक जी, मैं बोलूँगी तो आपको फिर बहुत बुरा लगेगा, आप पर्दे के पीछे से इतनी गुंडागर्दी करवाते हैं कि लोगों का दिन रात का चैन सुकून 3-4 दिन के लिए उनने भंग किया है। विधायक जी, आप असलियत पे आ जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, आप विकास की बात करिए। आपने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ आलोक द्वार बनाए हैं आपने, और काम किए तो हमने किए हैं, विकास किए तो हमने किए। मैंने सुना वो कहते कोरोना काल में हम लोगों ने जनता की सेवा की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ साथ और देशों को भी मदद की। ऑक्सीजन की बात करें, एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन आई, टेंट के माध्यम से ऑक्सीजन आई, हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। मैं तो कभी कभी इनको ये सुनती हूँ, ये बोल देते हैं कि अगर कोई विकास नहीं करेगा, पार्टी विकास नहीं करेगी, सरकार विकास नहीं करेगी, तो मैं ज़्यादा विकास करूँगा। अरे विधायक जी, आप ये रसोई चलाते, अपना टैक्स बचाते हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिलाई मशीन, उन्हें कहते हैं कि मैंने सिलाई मशीन पकड़वाई, आपको ये महिलाओं को काम दिलाना होता, आपको काम करवाना होता तो 5 साल में महिलाएं स्वावलंबी बन जाती। अगर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया तो हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। आपको पता है स्वसहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं मजबूत हुई हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लाडली बहना से जो महिलाएं मजबूत हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और विधायक जी, लोगों ने बहुत देखा है, 20 साल के पहले देखिए तो सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मैं तो ये भी देख रही थी, उनकी पोस्ट पे डला हुआ था कि ये बूढ़ा का सब स्टेशन मैंने भूमि पूजन किया, हनुमान टोरिया का सब स्टेशन मेरे कार्यकाल में बना, अपने उसमें लिख देते हैं, क्योंकि काम उनके पास कुछ है नहीं, आरोप लगाते हैं। और विधायक जी, आरोप मैं भी 15 महीना की सरकार में वो उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उनने लोगों को परेशान किया, लोगों को अपमान किया, कर्मचारियों को अपमान किया, वीडियो बना बना के अपमान किया। तो मैं सोचती हूँ उनसे बड़ा गुंडा और उनसे बड़ा कमीशन की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं सोचती हूँ ये कमीशन की बात कर रहे हैं, स्वेच्छा अनुदान की 10,000 की चेक पे 1,000 रुपये लिए, 9,000 रुपये वापस इनके खेल ग्राम में आए हैं। तो विधायक जी, इससे बड़ा कमीशन खोर कौन होगा? स्वेच्छा अनुदान जो गरीबों का अनुदान है वो भी आप खा गए। और दूसरी बात, ऑडियो वायरल हुई है, सवा महीना सवा साल में रेत पे सारे लोग जुट गए थे, रेत के अलावा कुछ नहीं। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं 5 लोग ऐसे गिना दूंगी, उनके 5 ही लोगों को बढ़ावा दिया है, जिनके पास साइकिल नहीं थी, उनके पास सवा सवा 1.5-1.5 करोड़ के मकान है। विधायक जी, कहाँ से आया ये पैसा? बालू पे बिठार दिया था, सवा साल में विकास किया नहीं था। और लोग अगर कहते हैं कि ये हमें स्वेच्छा अनुदान में
आपके जो एजेंट हैं उनने 1000 दिए, 9000 आपके पास आ गए, तो बोले हमें पता नहीं। लिस्ट है मेरे पास जिनसे 10000 में 1000 दिए और 9000 रुपये लिए हैं। ये है कमीशन, तुमसे बड़ा कमीशन कौन नहीं है, तुमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, तुमसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है, तुमसे बड़ा निष्क्रिय कोई नहीं है। और विधायक जी मैं कहना चाहती हूँ, 13 में मैंने आपको पराजित किया था और 23 का इतिहास दोहराया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, छतरपुर विधानसभा से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो सुना आपने भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के आरोपों को, अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी ने मीडिया के कैमरे पर क्या कहा। ये तो आप सब जानते हैं कि मैं क्या हूं। मैं 40 साल से व्यवसाय कर रहा हूं, राजनीति में तो 10 साल पहले आया हूं, और राजनीति में जब आया हूं तो राजनीति में मैंने लोगों की सेवा की है, गुंडागिरी नहीं की है और ना गुंडों को संरक्षण दिया है। गुंडों को संरक्षण कौन दे रहा है और संरक्षण किस लिए दे रहा है? अभी हाल में ही जिस दिन यहाँ जनसंपर्क के लिए निकले ललिता जी निकली थी, तो उनके बगल में बड़ी बड़ी मालाएं, जितनी मालाएं वो पहने थे उससे अधिक बगल में 307 का फरारी व्यक्ति उनके साथ में माला पहन के घूम रहा था। संरक्षण कौन दे रहा है? पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, 13 वाले चुनाव में सो कॉल्ड बेटा, मम्मी जो कहता था, उसको किसने नहीं देखा, जो कि अपने छतरपुर का नामी ग्रामी गुंडा कह लो आप, बदमाश कह लो, आपको जो कुछ कहना हो वो कह लो, वो किसके साथ रहता था? ये संरक्षण देती हैं, ये संरक्षण क्यों देती हैं, उसके पीछे भी कारण है। तमाम लोगों के साथ में मकानों के हड़पना, जमीनों को हड़पना, इन लोगों से ये काम करवाती हैं, उन्हें संरक्षण देती हैं। आज भी छतरपुर में ये काम चल रहा है और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ कि एक व्यक्ति आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए कि जिसके साथ मैंने ऊंची आवाज़ में या उसको किसी तरह की कोई धमकी भी दी हो। और जहाँ तक सवाल है कि इस 5 साल के कार्यकाल में या इसके पहले कोई भी एक उदाहरण आप लेके मुझे बता देना, जो वो उनसे ले लेना। और मेरे कार्यकाल में लोगों ने गुंडागिर्दी और सारी चीज़ें बंद हो गई थी, ना बाजार वालों को किसी ने परेशान किया है और ना किसी भी शहर के किसी भी अपने क्षेत्र के किसी भी गांव में किस तरह की कोई शिकायत मिली हो। और उसके पीछे बहुत सीधा कारण ये है कि सब लोगों के साथ में मैंने इस बीच में उन आतंकवादियों असामाजिक तत्वों को संरक्षण नहीं दिया, इसलिए ये सब शांति रही है। ये गुंडागिर्दी के वो आरोप लगाएं या कमीशनखोरी के आरोप लगाएं, इनके पास में अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो इस तरीके से भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी एक दूसरे पर चुनावी जंग करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अभी मतदान को लेकर थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद मतदाता यह फैसला करेंगे कि आखिरकार उन्हें किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहिए है और मध्य प्रदेश विधानसभा में किसे वह भेजना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।